हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मॉड्यूलेशन के चैनल पर। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीईटी 2024 के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को, जो अपडेटेड सिलेबस है 2024 के लिए, जो एग्जाम प्रिपरेशन आप करने वाले हो। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर इन योर डोमेन, जो कि आपको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये पेपर लेना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि आपको जाना है किसी टॉप कॉलेज के अंदर, आपको जाना है SRCC में, आप ड्रीम रखते हो IPMET के लिए, IIM अगर आपको जाना है, IPMET आपको क्रैक करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस इकोनॉमिक्स के पेपर को चूज जरूर करें। ठीक है, आगे के वीडियोस मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे के वीडियोस में कि आपको कौन से कॉम्बिनेशन लेने चाहिए अपने पेपर को अच्छे से क्रैक करने के लिए। ठीक है, आपको 3 पेपर लेने चाहिए या आपको 4 डोमेन्स लेने चाहिए या आपको 3 डोमेन्स लेने चाहिए। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी अदर वीडियोज में। ठीक है, आज हम लेकिन बात करने वाले हैं सबसे पहले सिलेबस पर, इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर जो अपडेटेड है, राइट, जिससे कि आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सके आपको सीईटी 2024 के एग्जाम की तैयारी इकोनॉमिक्स के लिए कैसे करनी है और क्या पढ़ना है। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप अपने सीईटी 2024 के पेपर को क्रैक करेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। जैसा कि आपको मालूम है, आपका 12th अभी खत्म ही होने वाला है, आपके 12th के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं और आप लगने वाले हो सीईटी की तैयारी में। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप करना चाहते हैं हमारे साथ अच्छे से तैयारी, राइट, अगर आप अपना टॉप कॉलेज चुनना चाहते हैं, अगर आप अच्छा मार्क अचीव करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के थ्रू लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। We will provide offline classes, online classes for preparation of CUET 2024. आप अगर आप face to face classes लेना चाहते हैं तो आप हमारा center visit कर सकते हैं। अगर आप classes लेना चाहते हैं online, तो description में हमारा number दिया गया है, आप उस पर call करके हमसे बात भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको आज syllabus के बारे में बताने वाली economics के, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इकोनॉमिक्स का पेपर सेलेक्ट जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो मैं आपको सिर्फ सिलेबस पे देना चाहती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आपकी कि आपको 3 डोमेन लेने चाहिए या आपको 4 डोमेन लेने चाहिए, राइट। जो भी डोमेन्स आपने लिए हैं उन डोमेन्स की तैयारी आप कैसे करेंगे, राइट। जैसे कि हमको मालूम है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो कोर्स है सीयूटी का, वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। सेक्शन 1 इज फॉर लैंग्वेज, सेक्शन 2 इज फॉर डोमेन एंड सेक्शन 3 इज फॉर जनरल टेस्ट। अच्छे से तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप हमको ज्वाइन जरूर करें। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सीयूटी के सिलेबस को, 2024 के सिलेबस को, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। आज मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का पेपर, राइट। और हमारे साथ तैयारी करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, राइट। नेगेटिविटी आनी ही नहीं चाहिए। आप ये ड्रीम करके चलिए कि आप अपने टॉप कॉलेज में जाने वाले हैं, ओके। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स। देखिए CUET 2024 सिलेबस, आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, राइट, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपके इस CUET के पेपर में, आपका जो CUET का पेपर है, दिस इज MCQs, एंड आपका ये पेपर 5, आपका जो ये पेपर है विद नेगेटिव मार्किंग है, राइट। तो एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क का होगा, लेकिन आप गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग के साथ जाएगा, राइट। मतलब 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, तो ठीक करेंगे तो 5 पाएंगे, गलत करेंगे तो आप 1 नंबर खो देंगे, ठीक है। तो बहुत समझदारी से, पेशेंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ हमको अपना ये पेपर सॉल्व करना है और क्रैक करना है, राइट। चलिए तो अब हम देखने वाले हैं अपने सिलेबस को। जैसा कि आप सब इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हैं, राइट, इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, 12th इकोनॉमिक्स में किसी बोर्ड के अंदर इकोनॉमिक्स बोला जाता है, किसी बोर्ड में आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला जाता है। दिस कोर्स इज न्यूट्रल
फॉर एवरी स्टूडेंट, राइट? चाहे आप किसी भी बोर्ड से आए हैं, राइट? आपको तैयारी सिर्फ इसी पेपर की करनी है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाउ तो आपका जो ये सिलेबस है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से आपका ये सिलेबस है आपका। अब हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस तीन पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज माइक्रो, सेकेंड इज मैक्रो एंड थर्ड वन इज इंडियन इकोनॉमी, राइट? जो आप पढ़कर आए हैं, नहीं भी पढ़ा तो टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग हैं ना, टेंशन नहीं लेनी है, ओके? चलिए, तो फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही चैप्टर है जो आपने पढ़ा है, बट आई नो आईसीएसई वालों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा क्योंकि उनके सिलेबस में है नहीं, राइट? बट डू नॉट वरी, सुभी मैम है और हम आपको अच्छे से तैयारी कराएंगे, राइट? चिंता नहीं कीजिएगा, बस एनरोल कीजिएगा। जो हम नए अपना अप्रैल में हम अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हम अपने क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं, बस आप हमारा पार्ट बनिएगा, ओके? नाउ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। दिस इज वेरी 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 इजी एंड दिस इज वेरी 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 बेसिक चैप्टर, राइट? जो पढ़कर आए हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़कर आए हैं चिंता नहीं कीजिएगा, हम हैं, ओके? नाउ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमको बहुत बेसिक पढ़ना है, राइट? कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ओके? नाउ सेकंड चैप्टर इज अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट? मीनिंग उसके बारे में पढ़ेंगे, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज मार्केट डिमांड, व्हाट इज मूवमेंट, व्हाट इज शिफ्ट, राइट? एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या मेथड्स हैं, ये हम पढ़ेंगे, राइट? परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड, ये तीनों हमको कवर करना है, ओके? नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज योर नाउ इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट पार्ट इज योर इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा पार्ट नहीं आ रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का छोटा सा सिलेबस आपके इकोनॉमिक्स में आएगा, राइट? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल दो ही यूनिट्स आएंगी, थर्ड यूनिट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं, नेशनल इनकम के मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जीएनपी, जीडीपी, राइट? उस अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉर्मुलेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डरने की बात नहीं है, नेशनल इनकम आपका कितना भी वीक रहा हो, मेरे साथ नेशनल इनकम पढ़ेंगे आप अगर, राइट? तो आपको नेशनल इनकम हमेशा याद रहेगा। पेपर क्रैक करने की बात तो छोड़ो, पेपर क्रैक तो हम कर ही लेंगे क्योंकि वो तो हमारा ड्रीम है ही, राइट? लेकिन जिस स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ, जिन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि पेपर तो क्रैक होना ही है, राइट? लेकिन पढ़ा इस तरह से जाए कि वो हमारे एकदम अंदर, हमारे माइंड में एकदम बैठ जाए अच्छे तरीके से, कि जैसे क्वेश्चन आया और आपने तुरंत आपने उसको टिक किया और 5 नंबर आपके हाथ में, ठीक है? नेक्स्ट वन इज फोर्थ चैप्टर जो हमारा है, दैट इज यूनिट 4। यूनिट 4 इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वाओ, ये ADES तो आपको बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, है ना? बहुत अच्छे से हमको आता है, बट कोई बात नहीं भी आता तो चलेगा, ओके? नाउ तो ADES एंड देयर कॉम्पोनेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS, राइट, MPC, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर मॉडल में, राइट? टू सेक्टर मॉडल जो हमने पढ़ा था, C+I, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, राइट? क्रेडिट चेन जो हम पढ़ने वाले हैं, फिस्कल पॉलिसी के बारे में, मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में, राइट? टेंशन नहीं करनी है, आप कोर्स ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ अपने इकोनॉमिक्स के पेपर को इजीली, राइट, आप पढ़ने वाले हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट पेपर हमारा क्या होगा? मनी। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा, दैट इज द मनी एंड बैंकिंग, ओके? तो मनी बैंकिंग में भी हमारा मनी मीनिंग एवोल्यूशन एंड फंक्शंस आएंगे, सेंट्रल बैंक आएगा, उसके फंक्शंस आएंगे, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस आएंगे, राइट? नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, क्लासिफिकेशन आएगा रिसेट्स एंड आपका एक्सपेंडिचर्स का, ओके?
बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, ये सब हमारे 12th के इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में था. ओके, नाउ रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यहाँ हम दोबारा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से शुरुआत कराएंगे बिल्कुल आपको, राइट. नेक्स्ट वन इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमने पढ़ा था. बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारा फॉरन एक्सचेंज रेट भी आता है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे कॉम्पोनेंट्स भी आएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, बट क्या दिक्कत है जब हम हैं, राइट. तो हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे. आपको डरने की जरूरत नहीं है. आपको कुछ पसंद है, आपको कुछ पसंद नहीं है, आपने कुछ अच्छे से पढ़ा है, आपने कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा, राइट. इसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है आपको. बस आप हमारे चैनल को क्लिक करें, हमें सब्सक्राइब करें, राइट. हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करें फॉर फेस टू फेस क्लासेस, या ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमको संपर्क करें, तो आपकी सारी मुश्किल खत्म हो जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. अब यहाँ हम क्या बताने वाले हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आपका आएगा जो 1947 टू 90 हम लोग पढ़े हैं, या इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. वाओ, ये हमने सब कुछ पढ़ा था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस वॉज द चैप्टर नंबर वन, एंड मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स, 1956 का IPR. ओके, नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के चैप्टर नहीं था CBSE में, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ इसको पढ़ेंगे. ओके, नाउ लास्ट वन इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर एग्जाम, राइट, यूनिट 10, जो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के ऊपर आएगा, राइट. दिस इज अ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर, और यहाँ हम तीन कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट. तो ये हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का. इकोनॉमिक्स का सिलेबस में सारी चीजें इन्होंने दे दिया, माइक्रो भी दे दिया, मैक्रो भी दे दिया, एंड आपका इंडियन इकोनॉमिक्स भी दे दिया. बट डू नॉट वरी, राइट, हम अच्छे से तैयारी करेंगे इसकी, आपका पेपर क्रैक करेंगे. इकोनॉमिक्स के पेपर को डोमेन लेना इज वेरी बेनिफिशियल, राइट. हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जो अपडेटेड सिलेबस है, जो रिवाइज्ड है, उसमें ये है कि 45 क्वेश्चंस आपको आएंगे और 35 क्वेश्चंस आपने करने हैं. ओके, तो 45 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चंस का ऑप्शन है आपको, आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट. जिसमें एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, सही किया तो 5 मार्क्स आया, राइट, गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क हो जाएगा, ठीक है. कोई चिंता की बात नहीं है, हम तैयारी साथ में करने वाले हैं, ठीक है. और आपके 12th के एग्जाम होते हैं, तुरंत आप हमारा बैच ज्वाइन कीजिएगा. हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है अप्रैल के फर्स्ट वीक में. ओके, थैंक यू. सारी जानकारी के लिए, अगर आप जानकारी के लिए आप संपर्क करना चाहते हैं, जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, ये जानकारी आप हमारे नंबर, इंस्टीट्यूट आके विजिट भी कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं, और हमारे नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं. ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप स्माइलिंग. ओके.